हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ भी हमें वेरीफाई करके दिखाना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। तो वही सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर ले रहे हैं, जो कि है 5/9 डिवाइडेड बाय 1/3 डिवाइडेड बाय 5/2। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 5/9 डिवाइड का साइन चेंज कर दीजिए मल्टीप्लाई में और ये हो जाएगा रेसिप्रोकल। ओके बच्चों, और ये आप अभी एज इट इज रहने दें। अब 3 और 9 सेम टेबल में आते हैं ना, 3 1 3 3 3 9, अब तो ये कैंसिल नहीं होगा, तो 5 × 1 5 3 × 1 3। अब ये हमने सॉल्व कर लिया, अब हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, तो डिवाइड 5/2 यही तो बचाया, तो 5/3 डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में और ये हो जाएगा रेसिप्रोकल 2/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, अब तो कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो 1 × 2 2 एंड 3 × 1 3, क्योंकि 5 5 से 1 टाइम ही तो गया होगा, तो ये आ गया आपका रिजल्ट 2/3। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे बच्चों। तो यहाँ है 5/9 डिवाइडेड बाय 1/3 डिवाइडेड बाय 5/2। ओके, देन 5/9 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट सॉल्व करेंगे सबसे पहले 1/3 डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई और ये रेसिप्रोकल। क्या 3 1 ये सब कैंसिल हो रहा है? कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो आप एज इट इज लिख दीजिए 1 2 2 एंड 3 5 15। ओके बच्चों, अब हम इसे सॉल्व कर देंगे डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या ये कोई सेम टेबल में आ रहे हैं? 9 और 15 देखो ये सेम टेबल में आ रहे हैं, लेकिन 9 5 नहीं आ रहे हैं, तो 3 3 9 3 5 15। तो देखिए अब तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो सामने सामने मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 25 एंड 3 2 6, तो ये आया आपका रिजल्ट और यहाँ आया 2/3। क्या ये दोनों सेम है रिजल्ट? बिल्कुल नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई बच्चों? फॉल्स। ये स्टेटमेंट हुआ हमारा फॉल्स। ओके बच्चों, थैंक यू।